ये स्क्रीन पे कुछ क्लिक नहीं हो रहा है, मोड चेंज की बटन काम नहीं कर रही है। तीन उसीज का जो रेजोल्यूशन है वो एक ही है। वाओ, आ जाओ आपको रीजन दिखाता हूँ इतने सारे ट्रैफिक का। तो अपनी ओला स्वर्ण प्रो जो है वो रेडी है, तो इसको भी करेंगे हम टेस्ट। तो गाइज, अपने वे में आ रही है बहुत सारी प्रॉब्लम्स, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम्स बताता हूँ और उसके बाद वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो अभी आप देख रहे हो ना स्क्रीन पे, ये स्क्रीन पे कुछ क्लिक नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मैं आपको पास लेके जाऊँ तो आपको एक क्लिक की आवाज़ सुनाई देगी। तो ये पता नहीं इंटरनली क्या क्लिक हो रहा है, बट क्लिक 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 करके आवाज़ आ रहा है, और इसके वजह से कभी कभी होता है ना कि बूट स्पेस खुलता नहीं है, तो ये एक इशू है। और दूसरा इशू ये है कि जब भी मैं स्टैंड ऊपर करके इसे अपने ड्राइव मोड में डालता हूँ तो नॉर्मल मोड में तो आ जाता है, लेकिन उसके बाद मोड स्विच नहीं हो रहा है। अगर आप देख रहे हो तो ना ही ये स्पोर्ट्स मोड में आ रहा है, ना हाइपर मोड में, और ना ही इको मोड में। और जब मैं अपने कोला ट्रिप पे जा रहा था तो बीच बीच में अपने आप इको मोड में आ जा रही थी और उसके बाद स्विच नहीं हो रही थी, तो उसके लिए मुझे स्टैंड पे डाल के वापस निकालना पड़ रहा था, तभी जाके नॉर्मल मोड में चल रही थी। इसका मतलब ये कि ये वाली जो बटन है वो काम नहीं कर रही है, जो मोड चेंज वाली है। तो ये इशू है भाई, मोड चेंज की बटन काम नहीं कर रही है, और कुछ तो ऑटो क्लिक हो रहा है अंदर जिसके वजह से कभी कभी जो बूट स्पेस है वो खुलता नहीं है। तो ये सारी इशू है भाई। Hey, what is up guys? Once again, welcome back to this channel and this amazing video, जिसके अंदर हम जाने वाले हैं भाई ओला के सर्विस सेंटर जो कि थाने में। और काफ़ी दिन से मैं डिले कर रहा था यार, दो हफ्ते हो गए मुझे कोला ट्रिप से आके, और जब मैं कोला ट्रिप पे था तभी ये प्रॉब्लम्स आ रही थी, और आने के बाद लगभग दो हफ्ते मैंने डिले करे, लेकिन अब मैं जाके इसे सारा रिजॉल्व कराऊंगा जो भी इश्यूज आ रहे हैं। और जब तक हम ये सारे इशू रिजॉल्व नहीं कराएंगे तब तक हम नई राइड लगा नहीं पाएंगे, इसलिए चलते हैं और रिजॉल्व कराते हैं सारे इश्यूज। वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। चलो लेट्स स्टार्ट अ राइड। देखो क्लिक हो रहा है ना, देखो कुछ तो ऑटो क्लिक हो रहा है। तो चलो भाई, वी हैव स्टार्टेड अ राइड और हम जा रहे हैं ओला के सर्विस सेंटर जो कि थाने में, वो क्लोजेस्ट पड़ता है तो हम वहीं जा रहे हैं। और अभी बजे हैं दोपहर के 3:25 और बारिश हो नहीं रही आज, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना चल के ये वाली जो सारी इश्यूज़ है इसको दिखा दिया जाए और फिर रिजॉल्व करा लिया जाए। पता नहीं क्यों आ रहा है इशू, तो वहाँ पहुँच के ही पता चलेगा। तो फ़िलहाल तो हमने अपनी राइड स्टार्ट कर दिया है ओला के सर्विस सेंटर के लिए, और जो स्क्रीन गार्ड था ना वो मैंने निकाल दिया, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि उसके वजह से कहीं तो क्लिक नहीं हो रहा है, क्योंकि बारिश का टाइम है तो कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स अगर उसके नीचे ट्रैप हो जाते हैं तो उसके वजह से भी कभी कभी क्लिक होता है, क्योंकि ये मैंने फ़ोन में ऑब्ज़र्व किया था कि बारिश की वजह से कभी कभी फ़ोन में भी ऐसे ऑटो क्लिक होते थे, तो इसलिए मैंने इसका टेम्पर्ड ग्लास निकाल दिया, बट इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। तो इसीलिए अभी हम जा रहे हैं ओला के सर्विस सेंटर, और ट्रैफिक भाई ज़ोरदार है। और जब मैं कोलार के ट्रिप पर था तो बार बार जब मेरी वेव इको मोड में आ रही थी तो उस टाइम पे जब मैं बटन प्रेस कर रहा था तो स्विच नहीं हो रहा था, मतलब कोई भी अपर मोड में, नॉर्मल में, स्पोर्ट्स में, हाइपर में। तो मुझे लगा था यार कोई स्कूटर में मतलब अलग इशू है जिसके वजह से मोड स्विच नहीं कर पा रहा, बट सीन कुछ और था, तो बटन ही काम नहीं कर रहा है। ये मुझे तब पता चला जब मैं घर पर आया और एक आध बार मैंने रिस्टार्ट करी, और उसके बाद जब मेरी स्कूटर इको मोड में आई नहीं, फिर मैंने ट्राई करा स्पोर्ट्स और हाइपर मोड, तो मैंने देखा भाई स्विच क्यों नहीं हो रहा, तब मुझे पता चला कि भाई ये जो दिक्कत है वो बटन में है और यही काम नहीं कर रहा। काफ़ी दूर तक है भाई ट्रैफिक, लेकिन हमें थोड़ा बहुत स्पेस मिल जा रहा है राइट साइड में, तो हम निकलते चले जा रहे हैं, लेकिन आगे लग नहीं रहा है कि निकलने की जगह। और हाईवे पे ट्रैफिक लगना मतलब भाई क्या ही है। चलो थोड़ी सी जगह मिल गई और हम भैया जी को फॉलो करते करते निकलेंगे आगे। परफेक्ट, निकल गए। वाओ, आ जाओ आपको रीज़न दिखाता हूँ इतने सारे ट्रैफिक का। रीज़न देखो आप, ये देखो, ये है रीज़न इतने सारे ट्रैफिक का। पिछले 25 मिनट से ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, और यहाँ पे दिन के टाइम जब ट्रैफिक एकदम ज़्यादा होता है उस टाइम पे ये रोड बंद करके बना रहे हैं रोड। वाह, वेरी नाइस। अरे रात को बना लेते, खाली फोकट इतना ट्रैफिक लगवा के रखा है। जितने बार भी मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ ना,
उसका रीज़न जो है वो कुछ अजीब ही निकला हुआ है। जैसे अभी यहाँ पे दिन पे रोड बना रहे हैं पूरा हाईवे ब्लॉक करके, ठीक है, कभी देखोगे तो कोई गाड़ी मोड़ रहा है, कोई ट्रक मोड़ रहा है, अरे हाईवे पे ही करना है सब, और सारे लोग जो है वो ब्लॉक्ड खड़े रहे ट्रैफिक में। चलो वी आर ऑन दी क्रीक ब्रिज नाउ। ये है भाईंदर खाड़ी जिसे वसई क्रीक भी कहते हैं, और हम हैं वसई क्रीक वाले ब्रिज पे। मैंने सोचा था 5 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा ओला के सर्विस सेंटर, बट 5 तो यही बज गए, अभी यहाँ से लगभग आधे घंटे और लगेंगे अगर ट्रैफिक नहीं हुआ बीच में तो, और उसके बाद पहुंच के पता नहीं कितना टाइम लगेगा, और ये भी पता नहीं कि आज ही बना देंगे कि नहीं। ये भी हो सकता है कि वो बोले कि 1-2 दिन आपको स्कूटर यहीं छोड़ना पड़ेगा और उसके बाद हम आपको चीज़ें सब सही करके देंगे 1-2 दिन बाद, तो ये भी हो सकता है। तो जो भी होगा यार वहाँ जाके पता लगेगा। फ़िलहाल तो हम चल रहे हैं वसई क्रीक वाले ब्रिज पे। सो ये हम पहुँच गए हैं फाउंटेन होटल, और हम यहाँ से लेंगे लेफ्ट टूवर्ड्स घुड़बंदर रोड, और बस घुड़बंदर रोड पे ट्रैफिक ना हो तो हम फटाफट से पहुँच जाएंगे। और ये भी हो सकता है ना कि सर्विस सेंटर में वो इमिडिएटली काम करके ना दें 1-2 घंटे में, ये भी हो सकता है कि वो बोले कि आपको स्कूटर छोड़ के आना पड़ेगा 1-2 दिन के लिए, उसके बाद आप आके पिकअप कर लेना, तो ये भी हो सकता है। RSA मैंने लिया नहीं है, तो पिकअप एंड ड्रॉप की जो फैसिलिटी है वो नहीं है मेरे पास, देखता हूँ अगर ज़रूरत पड़ी तो फ्यूचर में मैं ले सकता हूँ, बट फ़िलहाल तो मैंने RSA नहीं लिया हुआ है, क्योंकि मेरा एक बार का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था। मैं लोनावला में था और चार्जिंग एकदम ड्रेन हो गया था, और मैंने कॉल करा था तो उन्होंने बोला कि हम RSA की गाड़ी पिकअप के लिए भेजते हैं, और उनका कॉल ही नहीं आया भाई, पिकअप तो दूर की बात है। और उसके बाद 3-4 दिन के बाद वो मुझे कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर आपने RSA के लिए रिक्वेस्ट किया था, मैंने कहा हाँ 4 दिन बाद पूछोगे, तब तक तो मैं खड़ा रहूँगा उसी रोड पर आपके लिए ना, कि आपकी गाड़ी आ रही है RSA की कि नहीं। मतलब मैंने जब कॉल करा था उसके 4 दिन बाद कॉल आया था मुझे RSA के लिए, तो भाई RSA का मतलब ये थोड़ी होता है कि बंदा 4 दिन तक यार रोड पे खड़ा रहेगा आपके RSA का वेट करते। तो ठाणे हम ऑलमोस्ट पहुंच गए, लेकिन सर्विस सेंटर यहाँ से अराउंड 5 किलोमीटर और दूर है मैप के हिसाब से। चलते हैं और पहुँचते हैं सर्विस सेंटर। बारिश हुई नहीं, ये अच्छी चीज़ है, और ट्रैफिक भी यार वही था जो मैंने आपको दिखाया था, उसके बाद तो ट्रैफिक मुझे मिला नहीं कहीं। ट्रैफिक मतलब ऐसा कि नॉन मूविंग ट्रैफिक, मतलब ऐसा नॉर्मल ट्रैफिक तो रहता ही है बट मूविंग ट्रैफिक था, विच इज़ गुड। बस जाते टाइम ट्रैफिक ना लगा रहे जब हम सर्विस सेंटर से जाएंगे, तो देखते हैं आज ही वो करके देते हैं या फिर टाइम लेते हैं 2-3 दिन का, जो भी होगा आपको आगे पता चलते रहेगा। बट फिलहाल लग रहा है वापस लगेगा ट्रैफिक 2.3 किलोमीटर्स मोर और 6 मिनट और आगे लगा है सिग्नल। चलो गाइस वी आर रीचिंग ऑलमोस्ट। जो गूगल मैप जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी, यहाँ से जाना है हमें अंदर, हाँ ये रहा, बस यहाँ से सीधे 200 मीटर्स पे, गॉट इट। ये हम पहुँचने वाले हैं ओला के सर्विस सेंटर, और अचानक से देख रहे हो धूप निकला है इतनी तेज, और अभी बज रहे हैं शाम के 5:35, और ये हम पहुँच गए ओला के सर्विस सेंटर। राइट साइड में ये रहा ओला का सर्विस सेंटर, चलते हैं अंदर और फिर दिखाते हैं भाई अपनी स्कूटर को। ये हम पहुंच के अंदर, स्कूटर दिखाना है, चार्जर करना है, हाँ क्या करने का, दिखाना है सर्विस के लिए, सर्विस के लिए प्रॉब्लम आ रहा है, गाड़ी में खड़ा कीजिए, ठीक है, अपॉइंटमेंट लिएगा, नहीं अपॉइंटमेंट नहीं लिया, गाड़ी में सामने खड़ा गया, अभी तो ऑफिस में है, ठीक है। तो गाड़ी हम करते हैं यहाँ पे खड़ी और फिर चलते अंदर। तो जो है मैंने अंदर दे दिया है सर्विस के लिए, और टोटल 4 इश्यूज थे जो मैंने उनको बताए। एक जो था वो मोड बटन काम नहीं कर रहा था, मोड स्विच नहीं कर पा रहे थे हम। दूसरा इशू ये कि अपने आप कभी कभी इको मोड में आ जा रही थी,
तीसरा ये कि टिक का साउंड आ रहा था जब भी मैं पार्किंग मोड में डाल रहा था या फिर स्कूटर जब भी आइडल रहती थी अंदर से क्लिक होने का साउंड आ रहा था। और चौथा इशू ये था कि जो चार्जिंग सॉकेट फ्लैप है उसका फ्लैप नॉर्मली खुल नहीं रहा था, थोड़ा सा आगे पुश करके खोलना पड़ रहा था। तो ये चार इशूज़ थे जो मैंने उनको बताए। और तीन इशूज़ का जो रेजोल्यूशन है वो एक ही है कि मोड बटन जब वो रिप्लेस करेंगे तो तीन इशू रिजॉल्व हो जाएंगे। वो कह रहे थे कि कभी कभी पानी की वजह से अंदर बटन के अंदर थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है जिसके वजह से ये इशूज़ आ रहे हैं। तो एक बटन के रिप्लेसमेंट से तीन इशू रिजॉल्व हो जाएंगे और बाकी जो चार्जिंग सॉकेट फ्लैप है उसे वो करके दे देंगे। तो वेट करते हैं, अभी आधे घंटे से एक घंटे लगेंगे अराउंड काम होने में, तो वेट करते हैं और उसके बाद कलेक्ट करेंगे अपनी स्कूटर और फिर चलेंगे घर पर। और ये भी बता रहे थे कि पास में भी सर्विस सेंटर खुले हुए हैं, एक विरार में है और अभी शायद नाला सोपारा में खुल रहा है तो वहाँ भी विज़िट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे भी वर्क फोर्स शायद एक या दो बंदे ही हैं और सारे उनके पास जो एक्सेसरीज़ गैजेट्स हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो मैंने कहा अब मैं इतनी दूर आ गया हूँ तो आप यहीं बना दो, नेक्स्ट टाइम जब इशू आएगा तब मैं चले जाऊँगा वो सर्विस सेंटर में। तो वेट करते हैं और एक बार अपनी स्कूटर का हो जाता है काम फिर लेके चलेंगे अपनी स्कूटर को घर पर। एक छोटी सी अपडेट और है वो मैं आपको दूंगा, तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। एक बार काम होने के बाद मैं आपको अपडेट देता हूँ, अभी फिलहाल वेट करते हैं अपनी स्कूटर का काम होने का। A few moments later. तो अपनी ओला स्वर्ण प्रो जो है वो रेडी है, तो इसको अभी करेंगे हम टेस्ट एक राउंड। तो अभी नॉर्मल मोड में ये है, आ गया स्पोर्ट्स मोड में, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। स्पोर्ट्स मोड में वैसे ही पुला रहा है और ये आ गया हाइपर मोड में, परफेक्ट। मतलब मोड की बटन काम कर रही है। अब एक बार इसको इको मोड में डाल कर देखते हैं। चलो ये आ गया इको मोड में, परफेक्ट। तो इको मोड में भी स्विच हो रहा है, नॉर्मल में तो बाय डिफॉल्ट रहता ही है, स्पोर्ट्स और हाइपर में भी। एक बार टिक साउंड देखते हैं, स्टैंड पे डाल दिया मैंने इसको और टिक का साउंड तो अब नहीं आ रहा है। ये बूट स्पेस अनलॉक हो गया, बूट स्पेस लॉक हो गया, बूट स्पेस अनलॉक हो गया, परफेक्ट। टिकिंग का साउंड भी नहीं आ रहा है। ये है इसका चार्जिंग सॉकेट फ्लैप, ये भी अब स्मूथली ओपन हो रहा है, बंद हो रहा है, परफेक्ट। चलो ये सारी चीज़ें तो हो गई, मोड, टिकिंग साउंड, इको वाला हो गया एंड चार्जिंग सॉकेट फ्लैप। चलो इट्स ऑल गुड, टेस्टिंग तो हो गई है, अब हम लेते हैं गेट पास और फिर निकलते हैं घर के तरफ। चलो थैंक यू। चलो भैया गेट पास। हाँ ठीक है। चलो गाइस शाम के 7:08 हो रहे हैं और हम निकल चुके हैं थाने के ओला सर्विस सेंटर से। हमारे वेव का काम हो गया है और वेव इज़ ऑल सेट फॉर द न्यू राइड। देखो कहाँ की लगाते हैं न्यू राइड, जहाँ की भी होगी आपको अपडेट मिल जाएगा मेरे कम्युनिटी पोस्ट में या फिर वीडियो में, मैं अपडेट देते रहता हूँ। ओए होए बारिश स्टार्ट हो गई यार। फाइनली आई एम बैक फ्रॉम दी ओला सर्विस सेंटर और अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि पैसे कितने लगे ये सारी चीज़ें सही कराने में। तो भाई एक भी रुपए नहीं लगे, 0 रुपीज़ लगे मेरे और शायद अभी एक साल नहीं हुआ इसलिए सारा फ्री में हो गया। तो यार आई होप यू लाइक द वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।